हेलो दोस्तों, नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जय स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं कि कन्ना किस तरह से बांधते हैं। सबसे पहले तो हम आइए देखते हैं बांधते हैं एक बिलिस्ते का, एक बिलिस्ते पे कन्ना, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से इसको सुराख कर लेंगे ऊपर नीचे तिनके की मदद से, और यहाँ पर भी कर लेते हैं एक बिलिस्ते की मदद पर। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, इस सद्दी को लेते हैं, ये देखिए पहले यहाँ पे से हम ये इस तरह से गीट बांध लेते हैं, ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे इस तरह से, और इसको ऐसे करके गीट बांध लेते हैं, ये ठीक है, ये बंध गई। और उसके बाद हम इसको इस कन्ने के अंदर, ये देखिए इसमें ऐसे डाला और इसके अंदर भी अच्छे से ये पहना लिया, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके रखना, ये ठीक है, इसको बड़ा करके रखना। और इसके बाद इस तरह से एक गीट बढ़िया सी दे दीजिए, ठीक है, इसको अच्छे से एक गीट दे दिया, एक गीट और दे दीजिए मजबूती के लिए, एक गीट और दे दीजिए, दो हो गई। एक बार इसके अंदर और पहना दीजिए, इसके अंदर पहनाया और ये इस तरह से, और उसके बाद इसके अंदर से ये देखिए निकाला, ठीक है, इधर की तरफ ये, और उसके बाद इसको इस तरह से बढ़िया सा, ये देखिए इस तरह से अच्छा सा दो गीट तीन गीट जितने में भी आप को लगे कि मजबूत हो गई है, ये देखिए एकदम मजबूत, अब ये टूटने का सवाल ही नहीं ना। और ये देखिए उसके बाद हम यहाँ पे से, ये देखिए यहाँ पे से इतना लें, और इतना लेने के बाद थोड़ा सा और बढ़ा लें, उसके बाद इसमें भी रिस्क, जब पतंग लड़ाई जाती है दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कन्ना, ठीक है। तो नीचे के लिए भी आप कोशिश करिए कि नीचे के लिए भी भले ही चाहे थोड़ी दूरी पे बांधें, लेकिन नीचे का भी आप ज़रूर इसको डबल कर लीजिए इस तरह से, ये देखिए डबल हो गया। उसके बाद आप फिर से उसी कन्ने के अंदर ऐसे पहना लीजिए, ठीक है, इसी कन्ने में, ये देखिए कन्ने में पहना लिया, और इसमें इस तरह से, चूँकि जब पतंग लड़ानी है तो आप हर चीज़ एकदम परफेक्ट से बनाएंगे तो ही आपका हर चीज़ जो है एकदम सही रहेगा। इसमें भी इस तरह से अच्छे से, ये ऐसे करके इस तरह से दो गीट दे लिए, दो गीट दे लिए। अब उसके बाद इसके अंदर फिर से हम पहना लेते हैं, इसके अंदर फिर से पहना लिया, पहना के ये देखिए, और उसके बाद इस तरह से फिर से इसमें हम अच्छे से इसमें गिट्ठी दे देंगे, ये देखिए इस तरह से दो तीन गिट्ठी दे लें, जितने में आप मुतमईन हो जाएं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपकी हो गया पूरा। अब उसके बाद इसको हम तौलिया जो है, जब एक बिलिस्ते पे ऐसे नापे तो एक बिलिस्ता जो है ये साइड से भी एक बिलिस्ता नाप के, और यहाँ से कम तीन अंगुल, यानी एक बिलिस्ता नाप के, एक बिलिस्ता इधर से ऐसे करके नापेंगे, यहाँ से एक बिलिस्ता, और यहाँ से तीन अंगुल, और यहाँ से एक बिलिस्ता, और यहाँ से कम चार अंगुल, ठीक है, एक अंगुल इसको हम बढ़ा लेंगे ये साइड से एक, और यहाँ से चार, और ये साइड से एक और तीन, ठीक। अब यहीं पास जो है हम इसको, यहीं पास हम इसका कन्ना जो है, जो तौलिया होती है
इसको हम यहीं पास से ऐसे करके बांध देंगे, ठीक है। एक और एक उसके ऊपर जो है गिट्टी, और ये देखिए एक यहाँ पे हमने दिया है ये, और एक ये दो हमने दिया है, ठीक है। और उसके बाद अब आप इसको जो है यहाँ से काटिए, और चाहे इसी दोहरी सद्दी में बांधिए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो है कन्ना बहुत अच्छे से बन गया है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, एक बिलिस्ते वाला हो गया। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो आपको नेक्स्ट वीडियो इसी में हम टेप लगाते हुए दिखाएंगे, टेप कैसे लगाते हैं।